हेलो दोस्तों, रॉय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद रॉय आज आप लोगों के लिए जो जानकारियां लेकर आए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी दोस्तों कैसे करनी चाहिए। आप यदि बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आईपी यूनिवर्सिटी से तैयारी करना चाहे तो दोस्तों किस चीज़ को ख्याल रखना चाहिए, कब फॉर्म आ रही है, जिसकी एग्ज़ाम डेट कब तक होती है, किस मंथ में इसकी एग्ज़ाम दी जाती है, इस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग सब्जेक्ट कौन कौन सी है जो इस एग्ज़ाम में कवर की जा रही है, तो इसके रिगार्डिंग इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों यदि रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपको बीएड एंट्रेंस आईपी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसकी तमाम वीडियो लेकर हम टाइम समय से समय लेकर आते रहते हैं। आप लोग को ये बताने की कोशिश भी की जाती है कि सब्जेक्ट की तैयारी कितने टाइम देकर कौन सी सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सी वेटेज वाले टॉपिक होते हैं हमारा, इससे रिलेटेड हमारी तमाम वीडियो आती रहती है। यदि आप रीजनिंग की तैयारी करना है, रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, रीजनिंग की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसकी टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेकर हम लोग आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं, तो रॉय एजुकेशन चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बीएड एंट्रेंस आईपी यूनिवर्सिटी, इसकी सेकेंड वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें हम डीयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे। इसमें हम लोग आप आज बात करने जा रहे हैं सिलेबस क्या है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म डेट कब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जो फॉर्म आती है, इसका जो फॉर्म होती है जो हमारा अप्रैल की फर्स्ट वीक में करीब आती है, अप्रैल की ये फर्स्ट वीक में आती है, तो उस समय आप नोटिफिकेशन या वीडियो जरूर देखिएगा, या आप इसकी जानकारी अप्रैल से इसकी फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट जो होती है, इसके एग्ज़ाम की जो डेट होती है, ये जनरली एग्ज़ाम जो इसका मई में होती है, मिड मई में हो जाती है। अप्रैल से पहले भी फॉर्म आ जा सकती है, यदि आते हैं तो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपको बताई जाएगी। इसलिए रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जितनी भी नोटिफिकेशन जो भी चीज़ आएगी तो हम आपको आप तक पहुंचा पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। रॉय एजुकेशन 12 साल से हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे हर साल आते हैं और अपनी भविष्य अपने इस क्षेत्र में बनाने के लिए यहाँ से कामयाब होकर जाते हैं। लास्ट ईयर का भी जामिया के टॉपर, मतलब सेकंड रैंकर रॉय एजुकेशन का ही था, और दिल्ली यूनिवर्सिटी आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे रैंकर रॉय एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू ही गया है। तो यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, साउथ दिल्ली के आसपास हैं, तो रॉय एजुकेशन इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप कोचिंग क्लास भी ले सकते हैं। इसकी तैयारी बड़ी बारीकी से कराई जाती है। अब एक बच्चे पर इंडिविजुअली अटेंशन होता है। यदि यकीन नहीं होता है दोस्तों, तो आप गूगल रिव्यू भी चेक कर सकते हैं, या आप इंस्टीट्यूट आकर आप पहले डेमो क्लास अटेंड करें 2-4 दिन, जब आपको बहुत अच्छा लगता है तब आप पेमेंट फीस देकर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो सिलेबस आते हैं जनरली, जो आप लोग को आइडिया भी होगा, यदि आप लोगों ने पहले एग्ज़ाम दिया हो, नहीं दिया, यदि फर्स्ट टाइम भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप लोग के बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी जो सिलेबस होती है, इंग्लिश कम्प्रिहेंसन से 10% होता है, क्वेश्चन 15 आते हैं 60 मार्क्स का है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, इसका परसेंटेज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, जिससे 240 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह जनरल अवेयरनेस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। हमारा नेक्स्ट वीडियो सब जरूर देखते रहेगा, इसमें एक एक टॉपिक के बारे में इंडिविजुअली अटेंशन के साथ वीडियो बारीकी से आती है। इसमें शॉर्टकट जैसे रीजनिंग का आप करते हैं, इसकी तेज़ी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वन बाय वन सारे टॉपिक लेकर हम आएंगे। यदि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी कारण से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रॉय एजुकेशन चैनल के थ्रू जुड़ जाइए। दोस्तों यदि आपको जनरल इंग्लिश की सिलेबस देखनी है तो इसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आगे लिख भी सकते हैं। चलिए आप आगे इसकी जानकारी, और भी चीज़ें जो होती है, यदि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या होता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस है, मतलब सारी चीज़ आपको यहाँ बताई जाती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये तो और भी हेल्पफुल रहेगा। यदि आप बीएड कंप्लीट भी कर लेते हैं तो आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, या बीएड में आप पढ़ने पड़ते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर फोकस जरूर करना चाहिए। इसकी भी वीडियो हमारे तमाम कमिंग वीक में आने वाली है, तो रॉय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें बहुत सारे बीएड इंस्टीट्यूट है जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। अब जिस एरिया में रहते हैं या और जिस कॉलेज को प्रेफर करना चाहते हैं, वो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, उसका लोकेशन क्या है, इसका फीस क्या है पर सेमेस्टर, ये तमाम जानकारी इससे आपको मिल जाएगी। अब एग्ज़ाम सेंटर, यदि आप फॉर्म भरते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर देना चाहे तो इसमें ये सारे एग्ज़ाम सेंटर है, आप इसमें से जो भी प्रेफर करना चाह रहे हैं दोस्तों, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं।
आप कोई बुक यदि आपको मैं रॉय एजुकेशन की तरफ से यदि मैं रिकमेंड करूं तो रॉय एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से अपनी भी बुक दी जाती है, लेकिन यदि आप इंस्टीट्यूट किसी कारणवश नहीं आ रहे हैं तो आर गुप्ता के बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें सटीक तरीके से सारी सिलेबस दी गई है। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। यदि आसपास रहते हैं तो कोचिंग इनसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।